नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। पल पल की सारी अपडेट लगातार चैनल के माध्यम से पहुंच रही होगी। दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि हम पहले भी आपको अपडेट प्रोवाइड करते रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से, और आज भी अपडेट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से। दोस्तों अपडेट ये है कि कहीं ना कहीं जो पटना हाईकोर्ट में केस हुआ है, त्रिपुरारी झा का जो केस है, उस केस का बड़ा जजमेंट जो है वो आ चुका है, और आवेदन के लिए 3 दिन का समय उन शिक्षक अभ्यर्थियों को दिया गया है जो पेटिशनर रहे हैं, जैसे आपके त्रिपुरारी झाजी हैं और एक अभ्यर्थी और थे उनके साथ में। तो ये बात स्पष्ट रूप से हो चुकी है कि 3 दिन आवेदन की तिथि और विस्तारित की जाएगी। दूसरी ये बात भी क्लियर हो चुकी है कि आज के न्यूज़पेपर में ये खबर बिल्कुल सुर्खियों में है कि माध्यमिक यानी कि जो उच्चतर माध्यमिक है 11 और प्लस 2 की अगर हम बात करें तो शिक्षक अभ्यर्थी आवेदन के बराबर भी नहीं है, बहुत कम है। इसलिए पहले STT का आयोजन किया जाएगा और उसके बाद जो है BPSC के माध्यम से जो है वो परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तो ये बात भी क्लियर है कि भाई अब परीक्षा होने में और भी लंबा विलम्ब जो है वो लग सकता है। तो स्पष्ट रूप से एक बड़ी अपडेट सामने उभर के आ रही है कि अब कहीं ना कहीं, एक तो देखिए आवेदन की तिथि विस्तारित की गई है उन अभ्यर्थियों के लिए जो पेटिशनर हैं, और BPSC को 4 सप्ताह का समय दिया है कि आप पटना हाईकोर्ट में आइए और आकर जो है अपने बातों को रखिए वहाँ पे। तो एक बात तो ये भी क्लियर है कि भाई अब BPSC जो है अगर आता है पटना हाई कोर्ट में अपने बातों को रखता है तो एक लंबा समय और लगेगा, और अगर पटना हाई कोर्ट से ये बात क्लियर हो जाती है कि भाई आवेदन की तिथि विस्तारित की जाए तो परीक्षा की तिथि भी विस्तारित होगी आगे। तो बड़ी अपडेट है कि ये बात तो क्लियर हो गया है कि कहीं ना कहीं अब BPSC को पटना हाई कोर्ट का जो खौफ है वो सताने लगा है, डर जो है सताने लगा। जिस प्रकार से हमें एक बड़ी जीत मिली है पटना हाई कोर्ट के द्वारा, तो अब कहीं ना कहीं सिलसिला जारी होने लगा है जीत मिलने का। और बहुत सारे केस हैं, एक ही केस नहीं है, बहुत सारे दर्जनों केस फाइल किए गए हैं, और लगातार इन केसों से हमें लगातार जो है वो जीत मिलना भी अब प्रारंभ होने लगा है। तो ऐसा उम्मीद और आशा लगाया जा रहा है कि अब फिर से जो है 22 आज देखिए 22 जुलाई है, सुप्रीम कोर्ट में नियमावली को लेकर भी सुनवाई है। जैसा कि सत्यम कुमार जी हैं, लगातार आपको अपडेट प्रोवाइड करते रहते हैं चैनल के माध्यम से, तो उनका भी अपडेट है कि भाई वो जल्द से जल्द जो है सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ नया देखने को मिलेगा। आज देखते हैं शाम तक क्या कुछ होता है। तो एक बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि लगातार अब कहीं ना कहीं पटना हाई कोर्ट से अच्छी खबर शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए निकल के आएगी, और एक बात स्पष्ट हो चुका है कि जो आपकी परीक्षा है, परीक्षा की तिथि में अब बदलाव होगा, और आपकी जो परीक्षा है वो कहीं ना कहीं अब अगस्त में नहीं होगी, उसकी तारीख भी आगे विस्तारित होगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, पसंद आया दोस्तों शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।